अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जानिब से जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे दो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी में। पहला प्रोग्राम जो है वो ये है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत एसे कॉम्पिटिशन है। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज जो कर रहेगी वो AIMIM नामपल्ली ऑर्गेनाइज करेगी। इसके अंदर एक तश्कील दी गई है कमेटी, उस कमेटी के अंदर अभी हमको चार लोगों से मंजूरी मिली है। डॉक्टर मौलाना एहसान अल हमूमी साहब जो खतीब जामा मस्जिद बागयाम, और दूसरे हैं मौलाना मुफ्ती तजम्मल हुसैनी साहब जो खतीब है हुसैनी मस्जिद, और जनाब वसीम भाई साहब जो अजीज़िया मस्जिद के हैं, इनसे अभी हमारा रابطہ हो रहा है। इंशाल्लाह ताला उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि ताकि वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल हो, ताकि ऐसे जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम एक कंपटीशन रख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर। और चौथे हाफिज़ तैयब साहब हिलाल सनाबली, इनको भी हमने शामिल किया है, और इंशाल्लाह ताला ये ऐसे कंपटीशन के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी और प्लेस क्या होंगे कुछ ही देर में तय पाएगी। ये तमाम की तमाम नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जानिब से की जा रही है, जिसमें जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब साबिका मेयर मौजूद है, जनाब डॉक्टर कासिम साहब विजयनगर नुमाइंदा कारपोरेटर, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब मल्लापल्ली नुमाइंदा कारपोरेटर, जनाब मूसा साहब आसिफ नगर नुमाइंदा कारपोरेटर, जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब अहमदनगर नुमाइंदा कारपोरेटर, जनाब आरिफ रिजवान साहब रेडिल्स नुमाइंदा कारपोरेटर, जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब साबिका नुमाइंदा कारपोरेटर, इन सब की निगरानी के अंदर एक इजलास तलब किया गया। इस इजलास के अंदर ये तय पाया है कि हमको ये प्रोग्राम करना चाहिए। पहला प्रोग्राम हमारा ये रहेगा, और दूसरा एक अहम प्रोग्राम ये है कि हम चाहते हैं कि जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अब की मरतबा 12 रबी अव्वल 28 तारीख को आ रहा है, जिस टाइम पर हमारे अपनाए वतन भाइयों का एक त्यौहार है, इसके लिए पहली तारीख को यानी 15 रबी अव्वल के दिन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिए के अंदर एक तनावले ताम का अहतमाम किया जा रहा है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे डिविजन्स के अंदर जहाँ पे हमारे कारपेटर्स हैं नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अल्लाह के फजल करम से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारपेटर मौजूद है, उसके अंदर आसिफ नगर में KHK गार्डन के अंदर तनावले ताम का इंतज़ाम पहली तारीख को किया जाएगा, वो जो दिन में रहेगा सुबह से शुरू होगा। और दूसरा है अहमदनगर के अंदर अहमदिया होटल के पास में इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी तनावले ताम का एहतमाम किया जा रहा है, और विजयनगर कॉलोनी के अंदर लक्ष्मी नगर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी रहेगा, मेहदीपट्टनम डिवीज़न के अंदर हिल कॉलोनी में इंशाअल्लाह ताला तनावले ताम का एहतमाम किया जा रहा है, मल्लापल्ली के अंदर हबीब नगर कम्युनिटी हॉल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तनावले ताम का यहाँ पर भी रहेगा, और रेडिल्स बाज़ार घाट के अंदर आशुर खाना जहाँ पे वहाँ पे भी ये इंतज़ाम किया जा रहा है। अल्लाह के फजल व करम से हम इस साल ये चाहते हैं कि तमाम अच्छे से अच्छा एहतमाम करके ये प्रोग्राम को न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला ने जब मौका दिया है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं हमारी तमाम चीज़। तो नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ख़ास तौर से ये दो प्रोग्राम डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर नखीब मिल्लत की अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी भी आई है। अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ऐसे कॉम्पिटिशन का प्राइज़ मनी भी बताया जाएगा, और उसके साथ साथ एरिया प्लेस भी बताया जाएगा, और वो इंशाअल्लाह ताला ऐसे कॉम्पिटिशन 30 तारीख के दिन 30 सितंबर हफ्ते के दिन इंशाल्लाह रहेगा, और टाइम भी हम बताएंगे, और उसका क्या तरीक़ा है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसा रहेगा और उसका उनवान क्या रहेगा, उसको भी हम आपको आवाम से वक्फियत हासिल करवाएंगे जो भी रहेगा। और मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया तहे दिल से करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये दो प्रोग्राम बड़े ही एहतराम के साथ मनाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।